हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे स्टॉक मार्केट की अपडेट। स्टॉक्स मार्केट की कल की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले, कल गुरुवार है, आज था बुधवार, कल की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले हमने आज के लिए क्या रणनीति बनाई थी पहले उसका ओवरव्यू कर लें, फिर उसके बाद कल की रणनीति के ऊपर बात करते हैं। ऑलमोस्ट कैपिटल का, जो भी कैपिटल हम लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखी है या फिर अलॉट करके रखी है अपने स्टॉक मार्केट के लिए, उसमें 7 से 8% का कैपिटल रिटर्न आज एक ही दिन में निकाल लिया, यानी मारे हैं छक्के छक्के छक्के। टोटल 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो मैं कंसिडर करता हूँ आप लोगों के लिए। ROI इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेम आएगी। 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो मैं अज्यूम करता हूँ, जिसमें मोटा माटी आज 52 से 55 हज़ार रुपये, यानी 50 से 55 हज़ार रुपये का मुनाफा एक ही दिन में, वो भी इक्विटीज़ में, वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स में, वो भी विदाउट लीवरेज, विदाउट स्पेकुलेशन, विदाउट ओवर ट्रेडिंग, 50 से 55 हज़ार रुपये एक ही दिन में निकाला है। चलिए उसको आगे बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और फिर स्टॉक स्पेसिफिक की। निफ्टी का सपोर्ट लेवल बताया था आप लोगों को 7100 का और 7800 का, 7100-7800। रेजिस्टेंस बताया था 8181-8484, इसका मैजिकल फिगर बताया था 8925 का। आज इसका हाई पोस्ट हुआ 8423.50, यानी 8423.50, लो पोस्ट हुआ है 7681.35, यानी 7681 के आसपास का लो पोस्ट हुआ है, और क्लोज हुई है 8362 में, 8362 में। कल के लिए जो इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 7878, 7878 और 8170, 8170 ये इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 8625-8680, और इसका मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 8975। 8620 और 8680 के बीच में, यानी 8620-8680 के बीच में इसको भयंकर वाले रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर 8700 इसने काट दिया तो हो सकता है मैजिकल फिगर तक चला जाए। मैजिकल फिगर अब निकल के आ रहा है हमारा 8925। मैजिकल फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिसके ऊपर चलने पर ही बाजार होता है तेज, और जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा। अभी तक ये मैजिकल फिगर के नीचे चल रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाजार चलने दीजिए, बाजार जैसे जैसे फिगर क्रॉस करेगा वैसे वैसे हमारे लेवल्स चेंज होते चले जाएंगे। तो ये थी हमारी निफ्टी की अपडेट्स। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल दिया था 16300 और 16700, 16300 और 16700। रेजिस्टेंस लेवल बताए थे 19100 और 20200, 19100 और 20200, और इसका मैजिकल फिगर आप लोगों को अपडेट किया था 21000 का। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 18735, 18735 का, लो पोस्ट हुआ है 16600 का, और क्लोज हुई है 18486 में, 18486 में। हाई आपको मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था 18930 का बताया था, और इसका हाई पोस्ट हुआ 18335, यानी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया इसने, और नहीं 19100 का आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था, 18735 तक गया था, 16700 का सपोर्ट बताया था आपको, और 16600 तक ये लो पोस्ट किया है। चलिए वापस से मैं रिपीट करता हूँ, सपोर्ट लेवल इसके कल के लिए निकल के आ रहे हैं 17365 और 18930 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसको, आज क्लोज हुई 18486 में। कल मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अब ट्रेंड में ट्रेड कर सकता है, बस ओपनिंग क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, बाजार आजकल कहीं भी खुलता है कहीं भी बंद होता है। 18930 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और 20800 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर ये 19000 को कन्विंसिंगली क्रॉस कर देता है तो हो सकता है 20800 तक और चला जाए। इसके मैजिकल फिगर बन के आ रहे हैं 21150, निफ्टी का मैजिकल फिगर है 8975 का, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर है 21150, 21150 का मैजिकल फिगर तक आने के बाजार चांसेस हो बन रहे हैं। चलिए ये हुई हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की बातचीत। अब बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक की। आज आप लोगों को अदानी पोर्ट्स बाय करने दिया था 223-224 की रेंज में, 219 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, छोटा सा स्टॉप लॉस था सिर्फ 4 रुपये का। टारगेट अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे 241-258 तक के। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 266.50 का, लो पोस्ट हुआ है 222.30 का, 222.30 का लो पोस्ट हुआ है, और क्लोज हुआ है 255.50 में, 255.50। आज अदानी पोर्ट्स ने हम लोगों को मुनाफा दिया है 31390 का, और परसेंटेज वाइज देखें तो 15% का रिटर्न दिया है।
बजाज फाइनेंस को बाय करने बोला था 2400 2424 की रेंज में, यानी 2400 से 2424 की रेंज में स्टॉप लॉस मेंटेन करना था। इसका भी एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस था 2349 का, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 2525 और 2600 के। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 2700 और लो पोस्ट हुआ है 2400 का। 2600 के आसपास का इसने हाई पोस्ट किया, पहले सुबह मॉर्निंग में इसका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, फिर से वापस से 2400 तक ही आया और वापस से इसने 2700 का हाई लगाया। तो आप लोगों को इसमें एंट्री तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल गई होगी, और लो इसका लो पोस्ट हुआ 2400 का और क्लोज हुआ है 2585 में। डॉक्टर रेड्डी को बाय करने का था 2785-2805 की रेंज में, स्टॉप लॉस मेंटेन करना था 2749 रुपये का, 2749 का। टारगेट अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे 2880-2980 के, हाइस्ट का पोस्ट हुआ है 2948.95, 2945.95 का इसका हाई पोस्ट हुआ है, 2795 का इसका लो पोस्ट हुआ है, 2922 की इसकी क्लोजिंग हुई है। तो आज मोटा माटी बजाज फाइनेंस ने हम लोगों को दिया 8861 रुपये का मुनाफा, यानी 4.5% के आसपास, सॉरी 8.5% के आसपास बजाज फाइनेंस में रिटर्न मिला है हमको। 16% के आसपास हम लोगों को अदानी पोर्ट्स में मिला है और 3% के आसपास हम लोगों को डॉक्टर रेड्डी ने दिया है। तो आज तो आप लोगों की लगी है लॉटरी। देखिए इतने दिनों से बाजार चले जा रहा था, अपन लोग ज़्यादा अग्रेसिवली काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर मिला मौका वहाँ पर मार दिया है छक्का। तो आज भरपूर पैसा कमाया होगा, इसलिए कहता हूँ रहो कायदे में तो होगा मुनाफा। स्पेकुलेशन नहीं करना है, लीवरेज इस्तेमाल नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और करना है काम कायदे में तभी होगा मुनाफा। आप लोगों को एक छोटा सा और ओवरव्यू दे दूँ मैं। इक्विटी में, ब्लू चिप में अपन ने आज तक आप लोगों के समक्ष वीडियो अपलोड करते करते 155 दिन हो चुके हैं इंक्लूडिंग हॉलीडेज, 36.41% का नेट प्रॉफिट निकाला है आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, और 30% उसमें से माइनस कर दिया है कि भाई ये अज्यूम कर लिया कि आप लोगों ने कोई कॉल अपडेट कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं कर पाया होगा, कोई भाव नहीं मिला होगा, यानी एनी डैम रीज़न आप लोगों ने 30% कॉल एग्जीक्यूट नहीं कर पाया होगा, तब भी 36.41 यानी 36.41% के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। 12,400 से बाजार 7,500 हो गया है, लेकिन हम लोगों को परफॉर्मेंस शीट में अभी तक मुनाफा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। आप लोग भी ये सीख जाइए, यानी ग्रांटेड में लेना बंद कर दीजिए बाजार को। जहाँ स्टॉप लॉस होता है वहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करो, जहाँ टारगेट होता है वहाँ प्रॉफिट बुक करो। बस वही करता आ रहा हूँ, एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर देता हूँ और देखिए कमाल। कहीं पर भी किसी ने भी इक्विटी में अगर इतना रिटर्न निकाला हो तो मैं मान जाऊँगा। म्यूचुअल फंड कोई भी सेगमेंट ले लो आप, सब लॉस में बैठे हुए हैं। चलिए बात करता हूँ कल के लिए क्या स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। कल सन फार्मा आप लोगों को 337-340 के आसपास बाय करना है, 337-340 के आसपास, 344 का एक 334 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस है 3-4 रुपये का, स्टॉप लॉस हो गया तो कोई बात नहीं है। टारगेट अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 352 के। दूसरा स्टॉक बजाज फिनसर्व बाय करना है 4680 और 4700 की रेंज में, 4680-4700, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4520 का, 4620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 4620 का टारगेट 5555। पहला टारगेट 5000, दूसरा टारगेट 5555 का। तीसरा स्टॉक इन्फोसिस को सेल करना है, 625-630 की रेंज में मिले तो सेल करिए, 641 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट 585 के। तो एक सेल कॉल है, दो बाय कॉल है, एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक, नहीं तो बाजार को कहेंगे जय राम जी की। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परफॉर्मेंस शीट का लिंक दिया हुआ, आप उसको क्लिक करके 24/7 एक्सेस कर सकते हैं और कर सकते हैं पोस्टमार्टम मेरी परफॉर्मेंस शीट का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी होती है, उसको चाहें तो उसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को, और जुड़ सकते हैं डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।